प्लम्बर की जो तैयारियां हो रही है वो तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर एक तरफ हमारी दुल्हन रतन सज रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे दूल्हे भी पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। उनके परिवार वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, अपने तरीके से अपनी अपनी रस्मों के मुताबिक सब तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए देखिए, कोई भी काम शुरुआत की जाती है अच्छे काम के लिए तो सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करते हैं। गणपतये नमो नमः, जो भी विधि विधान से हमारे यहाँ जिस ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं उसी तरह से किया गया। आज गणेश जी की पूजा की गई। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ और पंडित जी मेरे लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, जो सफर यहाँ पे रतन से दोस्ती के साथ चालू हुआ था वो शायद अब शादी पे खत्म हो सकता है। अपने पांव जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए रखिए। हाँ, अब शादी के बाद ही मैले करना, अभी मत करना, ठीक है? घर का माहौल काफी अच्छा था और सब रस्में धीरे धीरे शुरू होने लगी। चलो मम्मी फिर हल्दी लगाते। हल्दी वाला जो कार्यक्रम है जो लेडीज वगैरह करती हैं वो बढ़िया तरीके से कराया और उसको देख के बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। हमारे एक रस्म पहले शुरू से होती है कि वो पहले मौसी माथे पे तिलक लगाती है मेहंदी का और हाथ में मेहंदी लगाती है, पांव में मेहंदी लगाती है, इसलिए लगाई जाती है। बताया जाता है कि ये लड़का अब मतलब आज के बाद अभी वो चलेगा नहीं, एक ही जगह बैठेगा, सीधा अब वो गाड़ी में बैठेगा और अपनी दुल्हन को लेने जाएगा। ऐसा कुछ होता है कि मेहंदी जिसकी ज्यादा रची उसकी शादी जल्दी हो जाती है? और शादी का अच्छा होना डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है मेहंदी की। बिल्कुल, डिजाइन अच्छी तो शादी अच्छी होगी ना, वो कब डिजाइन नहीं होगी। देखो डिजाइन अच्छी करना। आप रतन का नाम लिखना है क्या? अरे नहीं, अभी से लिखो। रतन को याद ना रहा फिर। आज मैंने मेहंदी पहली बार लगाई अपनी लाइफ में, तो कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। पहली बार ही सारी चीजें हो रही हैं तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। चलो मेहंदी तो हो गई, अब तैयार हो जाइए। चलो चलो। और ये सारी तैयारियां हो गई? हाँ तैयारी हो गई, बस ये स्टोल डालना बचा था। बढ़िया लग रही हो। और अभी ना आधा दूल्हा तो तुम बन गए, तुम्हारी हल्दी हो गई, पूजा हो गई, अब पूरा दूल्हा बनने को तैयार हो? आर यू फीलिंग नर्वस? नर्वस यहाँ तो दो दो वजह से हूँ कि एक तो मैं तो बन जाऊंगा अपनी तरफ से दूल्हा, पर रतन मुझे सिलेक्ट करती है या नहीं, और अगर करती है तो फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो घोड़ी पे चढ़ने को तैयार? सेहरा तो बाहर बनवाएंगे, अभी तो कपड़े ही पहने, देखते हैं। तो चलो फिर सेहरा बनवाते हैं। चलो। अभिनव आज अपनी ब्राइडल ड्रेस में बहुत रॉयल लग रहा था और अगर रतन उसको इस ड्रेस में देखेगी तो वो एकदम अपने होश खो बैठेगी और सीधा अभिनव के गले में माला डाल देगी। आज दूल्हे के वेश में बहुत अच्छा लग रहा है। समर में आया था तो ये नहीं सोचा था कि इतने ऊपर जाऊंगा और ये सब भी करने को मिलेगा और ये भी सब होगा मेरे साथ, ड्रीम कम ट्रू जैसा हो रहा है सब कुछ। हरि ओम मा स्वस्तिना इंद्रो वृद्रवा स्वस्तिना पूहा विश्वेरा चेहरे पे चेहरा है चेहरे पे कलगी।
कितना खूबसूरत लग रहा है। कल की में मोती है, मोती में ज्योति। अभिनव शादी के पोशाक पहनकर बिल्कुल एक जैसे राजकुमार होता है वैसा ही लग रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था जो मैंने पहनी हो, तो मैं बिल्कुल एक राजकुमार था महसूस कर रहा था कि बस आज तो मैं ही हूँ, मेरे से और कोई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आता जाता था कि बस मैं ही रतन को लेके जाऊंगा। आज बारात में मैंने पापा को काफी मिस किया, बट वो दिल्ली में तैयारियां कर रहे हैं कि अगर शादी होती है तो दिल्ली में भी रिसेप्शन तो रखनी ही होगी और उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए तैयारियों के लिए। आज का माहौल तो बहुत ही प्यारा माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था, क्योंकि हर साइड से सेना यहाँ ढोल धमाके बैंड था जब शुरुआत में सबसे पहले जब रतन को देखा था, और एक आज का दिन है जब मैं रतन के लिए अपनी बारात लेके जा रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं उसको अपने साथ लेके आऊंगा। घबराहट हो रही है, अभी मैं बात तो करूँ, लेकिन सच बताऊँ तो वो जगह देखकर, वो वेन्यू देखकर ही मुझे अंदर से नर्वसनेस और हाथ पर कांप रहे हैं। सब मुझे समझा रहे हैं, मेरी बहन कह रही है इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, ये मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों घबरा रही हूँ। साइड से सेना यहाँ ढोल धमाके बैंड था जब शुरुआत में सबसे पहले जब रतन को देखा था, और एक आज का दिन है जब मैं रतन के लिए अपनी बारात लेके जा रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं उसको अपने साथ लेके आऊंगा। घबराहट हो रही है, अभी मैं बात तो करूँ, लेकिन सच बताऊँ तो वो जगह देखकर, वो वेन्यू देखकर ही मुझे अंदर से नर्वसनेस और हाथ पर कांप रहे हैं। सब मुझे समझा रहे हैं, मेरी बहन कह रही है इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, ये मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों घबरा रही हूँ। शायद जो शादी के टाइम पे लड़कियां फील करती हैं, वही ये मेरी फीलिंग समझ पाएंगी कि क्यों मैं नर्वस हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होगी। इंतजार लोगों के लिए जितना मुश्किल है, मुझे लगता है मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है बस अब मैं सबके बीच
अपना फैसला सुना चुकी हूँ और लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और सब लोग खुश हैं। मैं बस ये इमेजिन कर रही हूँ बीच का क्या होने वाला है, क्या मैं बोलूंगी, मुझे वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक हूँ मैं। आई फील रतन अपना रिश्ता अभिनव के साथ पक्का करेगी। ही इज अ सेल्फ मेड मैन, वेरी काम कंपोज्ड, शांत है, रतन को संभालते अच्छे तरीके से हैं। मेरे ख्याल से अनुपम से शादी करनी चाहिए, उसकी फैमिली वैल्यूज बहुत मतलब हाई है, दे विल मेक अ गुड पेयर। अभिनव इज वेरी एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, वेल स्पोकन और आई थिंक रतन के साथ वो दिखता भी बहुत क्यूट है, तो आई थिंक दे मेक अ वेरी लवली कपल। और मेरे हिसाब से अगर मुझे रतन के लिए किसी को चूज करना होता तो मैंने अभिनव को चूज किया होता। दीपक मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है और मुझे लगता है कि रतन जैसी लड़की एक ऐसा हस्बैंड चाहती है जो उसे थोड़ी फ्रीडम भी दे, तो मुझे लगता है दीपक वैसा इंसान है जिसके साथ रतन वैसा फ्रीडम महसूस करेगी कि वो खुल सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि अभिनव शायद इज अ गाय फॉर रतन, वेल बिहेव्ड एज अ पर्सन ऑल्सो, ही इज वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अगर तीनों में से कोई एक मैं बताऊं रतन।